हेलो फ्रेंड्स, स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा सेशन आपके सामने चल रहा है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट करंट सेशन, जो आपका करंट सेशन है। सितंबर माह के टॉप 15 क्वेश्चन हम लेके आए हैं 2020 के लिए। सितंबर माह का टॉप 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दिल्ली पुलिस से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों रोजाना हम आपको दे रहे हैं बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है और हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ से हमारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री 82 वर्ष में निधन हो गया है। इसका राइट आंसर है जसवंत सिंह। क्या है? जसवंत सिंह। मैं पीडीएफ के ऊपर कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, इसकी पीडीएफ फाइल जो आप आसानी से पढ़ सकते हो, बिल्कुल जैसी आपको दिखाई दे रही वैसी ही पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक एप्लीकेशन था उसे टिकटॉक को हटा दिया गया है। अगला है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे हम कहते हैं AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन दो हस्तियों को चुना गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिंधु एवं महिला मिडफील्ड संजू को चुना गया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीता है। तो इसका राइट आंसर है 20,000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन से, विश्व मूक बंधु दिवस, जो बहरे कम सुनते हैं वो एक दिवस घोषित किया गया है, वो किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो सितंबर माह के हम पूरे सॉल्यूशन करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारित लोग निरंत्रण करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशनल इंटर एजेंसी टास्क फॉर अवार्ड जीता है। तो कौन सी टीम के द्वारा जीता गया? वो केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने लंबे अनुभव के कारण BCCI ने महिला सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है नीतू डेविड। जो क्रिकेट के अंदर अनुभव रखते हैं उनके लिए ये जो संस्था है उनके लिए रखी गई है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड यानी AESL ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर युवराज सिंह को बनाने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी गई है। इसका राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, चीन की राजधानी बीजिंग है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में पर्यटन प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई। कुल कितने जो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? कुल 10। टोटल कितने? 10। किस राज्य सरकार ने मोक्ष क्लक्स योजना 2020 की मंजूरी दी थी? तो इसका राइट आंसर राजस्थान। यानी दोस्तों, जब किसी का मृत्यु हो जाता है उनके अंतिम संस्कार के लिए, जैसे कोई हरिद्वार जाता है, कोई
राजस्थान के अंदर पुष्कर जाते हैं, कोई प्रयाग ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे जो स्थल हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डैन जॉन का मुंबई में निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं जिसका हाल ही में मुंबई के अंदर निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों में खुले बाजार में 9,915 करोड़ रुपए अतिरिक्त चार्ज लगाने की मंजूरी दी गई है, तो टोटल कुल कितने, तो टोटल 5 राज्य, कुल कितने राज्य, 5 राज्यों में ये अतिरिक्त कर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेशी में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी 2 का, किसका, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी, देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, जिसे हम बोलते हैं SDRF, के कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है, तो इसका 50%, कितना, 50% आप रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, वो 25 सितंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP ने क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, राजदूत के बारे में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है खुशी चिद्दालिया को किया गया है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपको 19 नंबर प्रश्न, सितंबर और सितंबर के अंदर 25 सितंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए थोड़ी डेट नहीं है तो मैं आपको लिख लेता हूँ, 25 सितंबर, कितना सितंबर, 25 सितंबर को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, मुख्यमंत्री, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है, 5 लाख, कितने, 5 लाख रुपए। निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह सऊदी अरब, कौन सा देश, सऊदी अरब के द्वारा लगा दिया गया है। हाल ही में किस रेल मंत्री ने 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के काल में निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर है सुरेश अग्वाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है। निम्न में से किस पहली महिला को रोफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है, तो दोस्तों इस पर्सन का जो राइट आंसर है 23 नंबर प्रश्न है शिवांगनी सिंह, कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी से सुस्त के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था वाले अनुमान जताए गए हैं, तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज 5.9%, 5.9% आपका। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारतीय अभिनेता कौन शामिल है, इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना, क्या है, आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर, क्या है, आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर है। भारतीय रेल ने कब तक बड़ी लाइनों में 100% विद्युतीकरण का निर्धारण किया गया है, वो 2023 तक, तो इस प्रश्न का जो 2023 में बड़ी बड़ी रेलों के अंदर विद्युत का संचालन किया जाएगा। किस राज्य में देश ने पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो दोस्तों इसका जो शिलान्यास है केरल सरकार के द्वारा किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर केरल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ गाइड नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, इस प्रश्न के बारे में पूछा गया, विकास खत्तर। क्या है? विकास खत्तर आपका राइट आंसर है। विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मिनरल डेज कब मनाया जाता है और इसकी जो थीम क्या है? दोस्तों विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट पे देना है। इसकी थीम के बारे में, सतत ग्रह के लिए सतत शॉपिंग, सतत ये कोरोना के काल में इसका विभाजन हुआ, इसके काल में सतत घर के लिए सतत शॉपिंग। डीआरडीओ ने किस राज्य ने फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप में विकसित लेजर गाइड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया गया? उसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार। कौन सी सरकार? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, नाडा। अगला जो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नाडा ने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी असप्रीत सिंह भुल्लर पर ड्रॉप टैक्स में फेल होने के कारण कितने साल, दोस्तों ड्रॉप से एक ड्रग्स के रूप में डॉक्स का लिया जाता है, कितने साल के प्रतिबंध लगा दिया गया? 4 साल तक। कितना साल तक? 4 साल तक लगा दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन से, अमेरिका कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेलर में 1.28% की हिस्सेदारी कितने रुपए में खरीदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5,550 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा की बालेश्वर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो है अभ्यास मिसाइल। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सीधे चले जाएंगे और वहां से आपको PDF फाइल मिलेगी। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर 22 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, देखिए राज्य मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एकल प्रत्यक्ष कांगो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया? वो है मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की गई है? तो दोस्तों इसमें जो कुल फसलों की संख्या है, कुल 6 फसलें, कुल कितनी फसलें? 6 फसलें हैं। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोलने के लिए एक विधायक पारित किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में खोलने का प्रस्ताव लिया गया और वहां पर विधेयक पारित भी हो गया है। अगला क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में घर अब फाइबर योजना, घर तब फाइबर योजना? तो दोस्तों ये फाइबर योजना से संबंधित सवाल पूछा गया और बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गुजरात 40 नंबर का राइट आंसर बिहार। कौन सा? बिहार आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसे BSNL कहते हैं, कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जानकारी जानिए कितने रुपए में राशि जुटाई? जो BSNL कंपनी है सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने करोड़ रुपए की राशि? तो 8500 यानी 8500 करोड़ रुपए, 8500 करोड़ रुपए आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, निम्न में से किस खिलाड़ी को पहली बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिमोना हालेप। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के
बिना 10 बार चढ़ने वाली नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है अंग रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व अलमजगर, ये एक रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन ये एक प्रकार का रोग है, बहुत ही घातक रोग है। भारतीय नौसेना ने इतिहास में पहली बार किस दो महिला अफसर को युद्ध पोत में तैनात किया गया है? 45 नंबर प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर है सब लेफ्टिनेंट, ऑप्शन नंबर एक कुमुनुद्दीन त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। कौन है रीति सिंह? तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर है। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने फ्रेंच के फॉरवर्ड फ्रांसीसी सैंडल में इंडियन सुपर लीग मुकाबले जिसे में ISL का आगामी सत्र कितने सालों तक कराने की घोषणा की है? वो दोस्तों एक साल, कितने साल तक? एक साल तक किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसे UAE निम्न में से किस देश में 93,895 कार्बनिक राइफल्स की आपूर्ति करेगा? तो ये दोस्तों भारत को करेगा। किसे करेगा? भारत को क्या जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो श्रेय है भारत और जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो इसका राइट आंसर भारत और पाकिस्तान। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पेनिस विरासत माह की शुरुआत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हिस्पेनिक विरासत माह की घोषणा शुरू की गई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर अमरीका, अमरीका राइट आंसर। तो दोस्तों जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से बहुत सारे PDF और मैटर आपको मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। धन्यवाद।